हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद नूरी। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन चीज़ समोसा बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे किस तरह से बनाते हैं और इसे किस तरह से आप बना के लंबे समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून के करीब करीब ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल जब गरम हो जाए तो हम इसमें फाइनली चॉप की हुई ऑनियन को ऐड करेंगे। ये एक मैंने मीडियम साइज की ऑनियन ली थी। इसे हम अच्छे से भून लेते हैं, लाइट पिंक होने तक हमें इसे भूनना है। देख सकते हैं ऑनियन लाइट पिंक कलर की हो गई है। तो अब इसमें हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। आधा चम्मच में इसमें गार्लिक पेस्ट और आधा चम्मच में इसमें जिंजर पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे हल्के से सौते कर लेते हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटी साइज की चॉप की हुई शिमला मिर्च। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप श्रेडेड चिकन। मैंने चिकन को वॉश करके पानी डाल के जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक डाल के बॉईल कर लिया था, और फिर जब ये अच्छे से बॉईल हो गया तो मैंने इसे श्रेड कर लिया। साथ ही इसमें एक छोटी कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे हम। मैंने इसे फाइनली चॉप किया है, इसे चला लेते। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून क्रश रेड चिली, 1/4 इसमें डालेंगे हम क्रश करके ब्लैक पेपर। क्वार्टर टी स्पून ये भी मैंने डाला है। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। फाइनली इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। समोसे की स्टफिंग हमारी रेडी है, बस इसे हम अच्छे से ठंडा करेंगे, फिर फाइनली इसमें चीज़ ऐड करेंगे। तो अब गैस को मैं बंद कर लेती हूँ। इसे एक बार मिक्स करके इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेते और फिर समोसे किस तरह से बनाते हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है, इसे मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर लिया और ये अच्छे से ठंडा भी हो गया है। तो अब इसमें हम चीज़ को ऐड करेंगे। ये मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ थोड़ा थोड़ा लिया है, ये इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने कुछ समोसे पट्टे ले लिए हैं और ये मैंने मैदे के आटे की स्लरी तैयार कर ली थी। मैंने क्या किया है, खाली 2 चम्मच मैंने इसमें मैदा लिया है और पानी डाल के इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी स्लरी तैयार की ताकि इससे हम समोसे को सेल कर सकें। अभी सबसे पहले हम एक समोसा पट्टी ले लेंगे और इसे हम इस तरफ से ऐसे और फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम एक पॉकेट का शेप दे देंगे और ये साइड को मैं सील कर दूंगी। ये जो हमने स्लरी बना के रखी है इससे इसे अच्छे से हम सील कर देंगे। इस तरह से एक पॉकेट का शेप आ गया। अब फिर इसमें हम ये स्टफिंग ऐड करेंगे।
थोड़ी थोड़ी करके। इस तरह से अब हम इसे फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम इस तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे ताकि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर दोनों अच्छे से बंद हो जाए। फिर इस तरफ हम ये मैदे की जो स्लरी बनाई थी वो अप्लाई कर लेंगे पूरी तरह से अच्छे से। फिर इसे हम इस तरफ फोल्ड कर लेंगे और जो ये बच गया है इस पर भी थोड़ा सा लगा लेंगे और इसे हम इस तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। यह समोसा हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह से बाकी के भी मैं सारे रेडी कर लूँगी। फिर इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँगी कि अगर आप चाहते हैं इसे फ्रीज़ करके रखना तो आप इसे किस तरह से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। मैंने सारे रेडी कर लिए हैं, अब देख सकते हैं मैंने सारे बना लिए अच्छे से। अब इसे हम फ्रीज़ कैसे करेंगे? फ्रीज़ अगर आपको करना है तो इसे थोड़े देर के लिए आप पहले फ्रीजर में रखें। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे फ्रिज में नीचे रखें। फिर उसके बाद ज़िपलॉक बैग में या फिर एयरटाइट जार में डाल के आप इसे रख सकते हैं। अगर आपको फ्रीज़ नहीं करना है तो आप इसे फ़ौरन से तल सकते हैं। तो मैं आपको थोड़े से फ्रीज़ करने के किस तरह से कर सकते हैं ये भी करके बताती हूँ। तो पहले तो हम इसे फ्रिज में डालते हैं, फिर मैं इसको ज़िपलॉक बैग में भरूँगी और एक दो आपको इसे फ्राई करके भी बता दूँगी। मैंने इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। आप देख सकते हैं ये अच्छे से एकदम टाइट हो गए हैं। तो अब इसे हम ज़िपलॉक बैग में भर देंगे। मैंने इस तरह का ज़िपलॉक बैग लिया है, इसमें हम एक एक करके ये डाल देंगे। इस तरह से मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। अब इसे हम सील कर देते हैं और इसे आप फ्रीज़र में 3 से 4 हफ्ते के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको खाने का दिल करे तो फ़ौरन से तेल गरम करके इसे हॉट ऑयल में फ्राई कर लें। तो अब इसे मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर लेती हूँ और इसे फ्राई भी एक आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। एक कढ़ाई में हम ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल जब अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें हम ये समोसा डाल देंगे। इसे हमें दोनों तरफ से अच्छे से टर्न करके फ्राई करना है। ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया है तो बस अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी के भी आप लोग फ्राई कर सकते हैं। तो मैं बाकी के फ्राई कर लेती हूँ फिर आपको दिखा दूँ। तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ समोसे। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।